hello dear students today let us do the next two chapters in your gk book chapter 9 and chapter 10 chapter 9 is our national anthem in this chapter you are going to learn about uh, some important facts about national anthem let's see what are they which is the national anthem which is our national anthem do you know जन अगणमना जन अगणमना इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड इट वॉज रिटर्न बाई श्री रबींद्र नाथ टैगोर किसने लिखा श्री रबींद्र नाथ टैगोर इट इज़ प्लेड और संग ऑन वेरियस ओकेशंस फॉर एग्जाम्पल ऑन द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड स्पोर्ट्स कल्चरल एंड ऑफिशियल ओकेशंस ये कभी भी नहीं गा सकता है इससे कुछ स्पेशल ओकेजनस होना चाहिए तभी नेशनल एंथम गा सकते हैं जैसे कि अनफोलिंग ऑफ नेशनल फ्लैग जैसे इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे में फ्लैग होइस्ट फ्लैग होइस्टिंग होते हैं ना झंडा फहराते फे, हैं ना हमारे नेशनल फ्लैग का फहराते हैं तब ये नेशनल एंथम गा सकते हैं और प्ले कर सकते हैं और जब भी कोई सोशल कल्चरल फंक्शंस होते हैं स्पोर्ट्स फंक्शंस होते हैं तब भी नेशनल एंथम गा सकते हैं और जब मॉर्निंग असेंबली स्कूल्स में जब मॉर्निंग असेंबली होता है तब भी नेशनल एंथम बच्चे गाते हैं वन मस्ट फॉलो द करेक्ट कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वाइल द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और संग और नेशनल एंथम गाते वक्त हमें कैसे खड़े होना है हमको पता है ना टेंशन पोजिशन में खड़े होना है सीधे खड़े होना है और विथ रेस्पेक्ट हाँ, हमारी कंट्री की तरफ से जो रेस्पेक्ट है वो दिखाते हुए हमें गाना गाना चाहिए नेशनल एंथम और नेशनल एंथम आप सबको आता है ना तो आपके साइड बुक में साइड में बॉक्स में दे रखा है नेशनल एंथम बच्चे गा रहे हैं ना यू कैन सी चिल्ड्रन इन दैट पिक्चर और ऊपर इंग्लिश में लिखा है नेशनल एंथम मन अधिनायक जय है ओके आप याद कर सकते हो उसे जिसको नहीं आता है वो याद करो ठीक है मन वॉज़ अडोप्टेड ऑफिशियली एज़ आवर नेशनल एंथम ऑन ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इट वाज ऑफिशियली एडोप्टेड ऑफिशियली उसको नेशनल एंथम उस दिन बनाया है जैसे कौन सा दिन है ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी द ईयर नाइनटीन फिफ्टी ट्वेंटी फोर्थ जनवरी इट वॉज़ फर्स्ट संग ऑन ट्वेंटी सेवेंथ डिसम्बर नाइनटीन इलेवन उससे बहुत पहले नाइनटीन इलेवन में ये पहले गाया था एट द कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन चल रहे थे उस दिन गाये थे पहले और उसे नेशनल एंथम कब बनाया था ट्वेंटी फोर जनवरी नाइनटीन फिफ्टी इंडिपेंडेंस के बाद आवर नेशनल एंथम टीचर्स अस टू बी यूनाइटेड डिस्पाइट आवर डाइवर्सिटी एक एक साथ रहने का मीन संदेश देता है हमारे नेशनल एंथम क्योंकि ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन स्टेट्स है सारे स्टेट्स के लोग अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग भाषा बोलते हैं फिर भी सब एक साथ है तो वो दिखाते हैं हमारे नेशनल एंथम ये संदेश देते हैं हमें इट्स स्ट्रेंथेंस आवर बिलीफ इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारे ये स्ट्रेंगे ये हमारे उसको जोर देते हैं कि किलग हो के भी एक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये मैसेज को स्ट्रेंथन दे स्ट्रेंथ देते हैं नाउ लेट्स सी टिक द करेक्ट आंसर्स क्वेश्चन हु रोट द नेशनल एंथम ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी रविंद्र टैगोर ऑप्शन सी महात्मा गांधी करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी रबींद्रनाथ टैगोर हाउ मच टाइम डू वी टेक टू सिंग द नेशनल एंथम ऑप्शन ए फिफ्टी सेकेंड्स ऑप्शन बी फिफ्टी टू सेकेंड्स ऑप्शन सी फिफ्टी फोर सेकेंड्स नेशनल पूरा नेशनल एंथम गाने, गाने के लिए कितना टाइम चाहिए ऑप्शन बी फिफ्टी टू सेकेंड्स फिफ्टी टू सेकेंड्स वेन वाज जनगणमना अडोप्टड एज अवर नेशनल एंथम नेशनल एंथम जनगणमना को नैशनल एंथम कब मनाया था ऑप्शन ए ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ट्वेंटी ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन सी फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फोर इन विच लैंग्वेज वॉज अवर नेशनल एंथम ओरिजिनली रिटर्न ऑप्शन ए हिंदी ऑप्शन बी संस्कृत ऑप्शन सी बंगाली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बंगाली देन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट मैसेज इज कन्वेड बाय अवर नेशनल एंथम टू द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमारे नेशनल एंथम से पूरी दुनिया के लोगों को क्या मैसेज देता है क्या मैसेज देता है मैंने अभी बताया था ना क्या है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑप्शन ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑप्शन बी यूनिटी इन ए डेफिनेट रीजन ऑप्शन सी नो यूनिटी इन एनी रीजन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओके ठीक है सारे सही आंसर के सामने वाले बॉक्स के अंदर टिक करना है ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर इज इन्वेंशंस आविष्कार बहुत बड़े अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं ना को पेज में टी कंप्यूटर एरोप्लेन स्टेटस्कोप टेलीफोन टेलीविजन ये सब नए नए आविष्कार थे उस टाइम जब ये बनाए थे तब आविष्कार थे और उनके आविष्कार के नाम भी पिक्चर भी दे रखा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ इन्वेंशन एंड टिक द नेम्स ऑफ द इन्वेंटर्स उन्होंने आविष्कार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दे रखा है उसमें और उसका आविष्कारक कौन कौन है वो हमें टिक करना है आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर हु इन्वेंटेड कंप्यूटर ऑप्शन ए चार्ल्स बबेज ऑप्शन बी लुइस पास्चर ऑप्शन सी जॉन एलबर्ड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चार्ल्स बबेज आप सबको पता है ना कंप्यूटर में आपने पढ़ा है कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बबेज क्वेश्चन नंबर टू एरोप्लेन एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन ए आइसक न्यूटन ऑप्शन बी जी मार्कोनी ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स राइट ब्रदर्स दो दो जिन्हें दिख रहे हैं ना साइड में फोटो में तो ये दोनों राइट ब्रदर्स हैं देन क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेटास्कोप डॉक्टर जो डॉक्टर यूज करते हार्ट बीट सुनने के लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेटोस्कोप इसे इन्वेंटर, इन्वेंटर कौन है इट वाज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन ए लुइस पास्चर ऑप्शन बी जी मार्कोनी ऑप्शन सी लेनेक करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लेनेक देन फोर्थ वन टेलीफोन पुराना टेलीफोन है ये फोटो में जो दिख रहा है वो पुराना टेलीफोन है यू कैन सी द फोटो किसका है इन्वेंटर कौन है ऑप्शन ए आइसक न्यूटन ऑप्शन बी अलेक्सेंडर ग्रहां ऑप्शन सी चार्ल्स बबेज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अलेक्सांडर ग्रहांबेल जी फॉर ग्रहां ओके देन टिक द करेक्ट आंसर अलेक्सेंडर जी बेल क्वेश्चन नंबर फाइव टेलीविजन टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाई ऑप्शन ए जॉन एल बायर्ड ऑप्शन बी जी मार्कोनी ऑप्शन सी चार्ल्स बबेज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जॉन एल बायर्ड करेक्ट ऑप्शन इज जॉन एल बायर्ड ओके दिस आर द आंसर्स इन्वेंटर एंड एंड इन्वेंटर्स तो याद करना है ये सारे नेम आपको याद करना है ओके okay? वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेंशन्स वाज द व्हील बट नो वन नोज हाउ और हु इन्वेंटेड इट व्हील जो व्हील है ना वो भी एक बहुत बड़ा आविष्कार था लेकिन किसी को नहीं पता है किसने बनाया है और कब बनाया है ओके तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर बोथ चैप्टर डू इट इन दर डू इट इन योर बुक एंड लर्न द ओके बाय